HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गूगल और उससे जुड़े प्रोडक्ट हमारी लाइफ का अहम हिस्सा हैं। कंपनी ने बुधवार की रात एक बहुत ही अहम फैसला लिया। जैसा कि इसके नाम से अंदाजा लग रहा है, इसका मतलब होगा पढ़ी लिखी मशीन। मशीन अपने आप चीजों को सीखेगी और उसके हिसाब से अपने फंक्शंस में बदलाव करेगी। इसके लिए एक चिप डेवलप की गई है। यह चिप मशीन में लगी होगी और उसके दिमाग की तरह काम करेगी। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इस चिप से लैस रोबोट धीरे धीरे आपकी जरूरतों को और बेहतर तरीके से समझने और उस हिसाब से काम करने लगेगा। गूगल AI फर्स्ट के हिस्से के तौर पर पिचाई ने सेकेंड जनरेशन की टेंसर प्रोसेसर यूनिट TPU की भी घोषणा की। यह क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो गूगल की AI फर्स्ट डेटा सेंटर के प्लान का हिस्सा है। TPU को पिछले साल सबसे सामने लाया गया था। ये वो चिप हैं जिन्हें मशीनों को सिखाने के लिए बनाया गया है। डीप लर्निंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक कंप्यूटर उन बारीकियों को सीखता है जो अभी केवल इंसान कर सकते हैं। आपको जानकार हैरानी होगी कि यह इतना डेवलप हो चुका है कि कई केसों में डीप लर्निंग से तैयार इमेज रिकॉग्निशन इंसानी विजन से बेहतर परफॉर्म कर चुका है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी तस्वीर को देखते हुए उसके बारे में जितना कुछ सोच लेते हैं उतना ही सब कंप्यूटर भी सोच लेगा। गूगल डेटा रिसर्च, मेडिकल इमेजिंग, क्लाउड, गूगल असिस्टेंट्स, गूगल होम्स, गूगल ट्रांसलेट और गूगल फोटो सहित सभी प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रहा है। इन सभी नए प्रयोगों को गूगल AI का नाम दिया गया है। पिचाई ने आगे कहा, मोबाइल मल्टी टच को लेकर आया, अब हमारे पास वॉयस और विजन है। कंप्यूटर अब पहले के मुकाबले बेहतर हो रहे हैं और वे आवाज को समझ ले रहे हैं।